सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पटाखों पर राजनीति शुरू हो गई है और विपक्ष साफ कह रहा है कि पटाखे नहीं जलाने चाहिए, इससे प्रदूषण होता है। लेकिन वहीं अगर बात की तो प्राय गवर्नर साफ कहा है कि इस पटाखों से कहीं ना कहीं हिंदू जो सभ्यता है उसको जुड़ा है। और इस पूरे मुद्दे पर बात हमारे साथ साधु प्राची जी, ये किस तरीके से देखते हैं कि पटाखों पर बैन कर दिया गया है, पटाखे नहीं जलाना है, प्रदूषण होता है, इस तरीके की बातों? मुझे तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बड़ा अफसोस हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को दीपावली के पटाखे फोड़ने से प्रदूषण दिखाई दे रहा है। बकरा ईद के दिन लाखों जानवरों की गर्दन काट करके कितना टेंटलों में खून बहा जाता है, पानी बर्बाद होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाई नहीं देता? हिंदुओं के त्योहारों के साथ ही चाहे जल्लीकट्टू हो या दही हांडी फोड़ने की बात हो या दीपावली पर पटाखे फोड़ने की बात हो, उन पर प्रदूषण दिखाई देता है। चार बीबी और 40-40 बच्चों पर कोर्ट को प्रदूषण दिखाई नहीं दे रहा? हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी समस्या, चार बीबी 40 बच्चों से बेरोजगारी, भुखमरी बढ़ती जा रही है, कोर्ट को इस पर फैसला देना चाहिए ना? वो देश हित में होगा। हिंदुस्तान में एक कानून, एक विधान और एक संविधान हो, इस पर विचार होना चाहिए, ये जरूरी। पर वही बात की जिस तरीके से त्रिपुरा गवर्नर ने कहा है कि हिंदुओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है, और आने वाले समय में ये होगा कि चिता जो जलाई जाती है उससे प्रदूषण होगा, उसके लिए भी फिर ये जो मोमबत्ती वाले और तमाम जो अवार्ड वापस करने वाली गवर्नर खड़ी हो जाएगी, तब उस पर क्या करेंगे? ये कोर्ट को अपने संज्ञान में लेना चाहिए और बुद्धिमानी से लेना देना चाहिए। हिंदुओं के साथ इतना अन्याय नहीं होना चाहिए। आखिर पटाखों से हिंदुओं के साथ इतना अन्याय, हिंदुओं की भावनाओं के साथ इतना चलाओ, ये उचित नहीं, ये सरासर अन्याय है। साधु ने साफ तौर पर बोला, अगर बात की जाए कि पूरे इस प्रकरण में कहीं ना कहीं हिंदुओं की जो भावना है उससे खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदूषण को भी साफ कहा उन्होंने कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए पेड़ पौधे और हवन करनी चाहिए। कैमरा पर्सन रूपेश के साथ राम अमित भट्ट, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली।